अस्सलाम वालेकुम इन क्लास सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 3.1 और लेक्चर नंबर 3 है जो ओवरऑल चैप्टर वाइज है। अच्छा, आज हमने कन्वर्जन पढ़नी है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। कन्वर्ट दी मैं आपको यहाँ से करवाता हूँ, यहाँ देखिए, कन्वर्ट इनटू दी इंडिकेटेड बेसिस सिस्टम, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 3rd है। 30252 बाइनरी ऑक्टल बेस 5। अच्छा, मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ, आप ज़रा यहाँ फोकस करें। देखें जी, ये बेस 10 है जिसमें सारे ही डिजिट आपके यूज़ होंगे। ये बेस 2 है जिसमें 0 और 1 यूज़ होंगे, 0 और 1 मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे 1 से लेके 7 तक डिजिट यूज़ होंगे, यहाँ पे 1 से लेके 0 से लेके 4 तक डिजिट यूज़ होंगे, और यहाँ पे 0 से लेके 9 तक डिजिट यूज़ होंगे। समझाने का मकसद ये है, मैं इनको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। समझाने का मकसद ये है बच्चों कि आपने इस बेस 2 से बेस 8 में जाना हो तो आप इधर आएंगे, पहले बेस 10 में आएंगे, देन यहाँ पे आएंगे। आपने बेस 5 से बेस 2 में जाना हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आते, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में, देन आप बेस 10 से 2 में जाएँ, 8 में जाएँ, मर्ज़ी आप। यही हमारा क्वेश्चन है। तो हमें अगर बेस 10 नहीं दिया तो हम बेस 10 में आएंगे, वहाँ से जहाँ मर्जी जाना वहाँ जाएंगे। अब आप देखें गौर से, 3025 यहाँ पे कोई बेस नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये बेस 10 वाला क्वेश्चन है। टू बाइनरी ऑक्टल बेस 5, बाइनरी में यानी कि बेस 2 में, ऑक्टल यानी कि बेस 8 एंड बेस 5 में कन्वर्ट करना है। ये तो ईजी है, इसको लिखें 3025, डिवाइड करना शुरू कर दें 2 पे। 2 1 का 8, 2 5 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 1 बच जाएगा, जो कैरी होगा वन ही आप चाहते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 6 12 0, पूरा डिवाइड हो जाए तो 0, अगर 1 बच जाए तो वहाँ पे साइड पे लिख दें। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 8 16 0, 2 1 ज़ा 2, 2 8 16, 2 9 18 0, 2 9 18, 2 4 ज़ा 8 1, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 1, 2 11 20, 2 1, 2 5 10 1, 2 2 4 1, 2 1 ज़ा 2 0। अब यहाँ से आपने आंसर लिखने शुरू करने, 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1, ये देखिए, ये मैंने आंसर लिख दिया। तो हमारा ये वाला नंबर 3025 कन्वर्ट हो गया बेस 2 में, ये है। अब हम 3025 को 5 में यानी कि बेस 5 में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आता है। 5 6 30, ये 2 5 पे नहीं जा रहा, इसको मिलाने के लिए 0 लगाएं, 5 5 25, पूरा डिवाइड हो गया, 0 लगाएं, 5 1 5, 1 carry 2, 5 2 10, 5 1 5, फिर पूरा डिवाइड हो गया, 0 लगाएं, 5 4 2 10, 2 carry 5 4 20, 1 carry होगा 1 यहाँ लिख दें, 5 4 20, 4 carry होगा यहाँ लिख दें, तो 4 4 1 0 0, ये बेस 5 में इसका आंसर आ गया 3025 का। इसको बेस 8 में देख लेते हैं, 3025, 8 3 था 24, 6 carry 62 हो जाएगा, 8 7 था 56, 6 carry 65, 8 8 था 64, 1 बचेगा, 1 माइनस हो गए बच्चों, बचेगा ये यहाँ लिख दें आप, यानी 1 कैरी करना है आपने। इसी तरह से 8 4 था 32, 5 आगे कैरी होगा तो ये 58 हो जाएगा, 8 7 था 56 और 2 माइनस हो गए बचेगा, वो यहाँ लिख दें, 8 5 था 40, 7 माइनस होकर बचेंगे यहाँ लिखते हैं, 5 7 2 1, यही आपका आंसर है। ये एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर तीसरे पार्ट पे देखें, 2006 बेस 8, ये ऑलरेडी हमें यहाँ डायग्राम में देखें, हमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसमें जाना है और इसमें जाना है, तो हमें पहले इधर आना पड़ेगा, देन इधर और इधर यहाँ से जाएंगे हम, ठीक है। तो आप गौर करें, बेस 8 है, 2 बाइनरी एंड बेस 5, बाइनरी और बेस 5 में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको जब बेस 10 में लेके जाते हैं, 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चन थे ये वैसे ही है, ओपन करें इसको, 2 मल्टीप्लाई 8 पावर 1 2 3 4 डिजिट है, एक कम कर दें 3 प्लस,
जीरो मल्टीप्लाई भी एट पावर टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई भी एट पावर वन प्लस सिक्स मल्टीप्लाई एट पावर जीरो, टू मल्टीप्लाई पावर ओपन करें इसकी फाइव वन टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई पावर ओपन करें सिक्सटी फोर प्लस जीरो मल्टीप्लाई भी एट पावर वन एट होगा प्लस जीरो मल्टीप्लाई भी सिक्स मल्टीप्लाई भी एट पावर जीरो वन होता है। तो फाइव वन टू मल्टीप्लाई टू वन जीरो टू फोर, ये जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ये सिक्स आ जाएगा, और जब इनको हम मज़ीद ऐड करेंगे तो 1030 आएगा। ठीक है बच्चों, 1030। अब आप इसको 2 पे डिवाइड करना शुरू कर दें जितना हो सके, जहाँ तक 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10 जीरो बचेगा, 2 2 4, 2 5 10, 2 7 14 वन, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16 वन, 2 6 12, 2 4 8 जीरो, 2 3 6, 2 2 4 जीरो, 2 16 32 जीरो, 2 8 16 जीरो, 2 4 8 जीरो, 2 2 4 जीरो, 2 1 2 जीरो। तो 1 और ये सारे जीरो और ये 1 1 0, ये भी लिख दें, ये बेस 2 में चले गए हम। अब इसी आंसर को हम बेस 5 में कन्वर्ट करते हैं, 10230, 5 to the 10। अब ये 5 पे नहीं जा रहा, इसको साथ मिलाने के लिए जीरो लगाना पड़ेगा, 5 6 30 जीरो, इसी तरह 5 4 20, 5 1 5 वन बचेगा, 5 8 40 वन बचेगा, 5 1 5 3 बचेगा, तो 13110 ये आपका बेस 5 में आंसर है। इसके दो या तीन पार्ट और हैं बच्चों, वो आपने खुद लाजमी ट्राई करने हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है आपसे हो जाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।